हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती के पदों में इतनी कंजूसी क्यों की जा रही है राजस्थान सरकार के द्वारा। यदि राजस्थान सरकार अभी भी सोई हुई है तो बिल्कुल उसको जागना चाहिए और दूसरे राज्यों से भी सीख लेनी चाहिए। यदि हम बात करें तो बिहार सरकार की तरफ से टीचर्स की वैकेंसी निकाली गई है, जहां पोस्टों की अगर संख्या हम बात करें तो पोस्ट हैं 1,70,461। वहीं पर राजस्थान सरकार थर्ड ग्रेड में केवल 48,000 पोस्ट पर ही अटकी हुई है। बच्चों की डिमांड है इसे तो 60,000 किया जाए। 5 साल हो चुके हैं, 5 सालों में इसकी संख्या जो है वो काफ़ी बढ़ जानी चाहिए, जबकि यहाँ पर कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। अगर हम स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में अभी भी एक टीचर जो है वो 5-5 क्लासेस को संभाल रहा है। क्या सरकार को ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है तो न्यूज़पेपर जो है वह तो रोज ही पढ़ते हैं सभी। तो अदर स्टेट से ही थोड़ी सी सीख लें कि जहाँ बिहार की स्थिति अगर देखें तो उसके मुकाबले राजस्थान की काफ़ी अच्छी है। फिर भी यहाँ पर देखिए 1,70,461 पोस्ट जो है यहाँ टीचर्स की निकाली गई हैं। राजस्थान में भी काफ़ी जो है यहाँ पर भी जगह खाली हैं, टीचर्स की बहुत ज़रूरत है स्कूलों में अगर आप नज़र डालेंगे तो। तो ये एक जो कटिंग है न्यूज़पेपर की, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो कुल पद हैं 1,70,461 पदों पर नियुक्ति के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिक और बिहार राज्य के स्थायी निवासी उम्मीदवार जो हैं एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप भरना चाहते हैं तो आप भरिएगा। यहाँ पर 15 जून स्टार्टिंग है और 12 जुलाई लास्ट डेट है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर बीएड और साथ में आपने सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 आपने क्लियर किया है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। और बिहार राज्य के जो स्टूडेंट हैं तो उनके लिए तो स्टेट टेट आवश्यक है। तो ये कटिंग दिखाने का मेरा मकसद यही है कि इतनी अधिक संख्या को देखकर राजस्थान राज्य के जो स्टूडेंट हैं वह भी फॉर्म जरूर भरेंगे। जो बच्चे मेहनती हैं और जिनका सिलेक्शन यहाँ नहीं हो पाएगा राजस्थान में, तो इतनी अधिक संख्या देखकर जो है वह बिहार राज्य में अप्लाई जरूर करेंगे। तो राजस्थान सरकार को इस ओर जो है वो ध्यान देना होगा कि इतने जो मेहनती बच्चे हैं वह दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, जबकि राजस्थान के निवासी होने के नाते यहीं पर उनको बच्चों को जो है जो भी उन्होंने मेहनत की है तो जो भी ज्ञान उनके पास है वह यहीं के बच्चों को दें तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन मजबूरी में वह दूसरे स्टेट में जाकर कार्य करेंगे ही। तो स्टूडेंट के साथ जो अन्याय हो रहा है सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। यदि ध्यान नहीं आ रहा है तो दूसरे राज्य में जो चल रहा है उसको देखकर सीख लें, ठीक है। बिहार सरकार ने जब इतनी सारी पोस्ट जो है वो निकाली हैं केवल टीचर्स की, और राजस्थान सरकार का ये कहना है कि हम 1 लाख जो है वैकेंसी निकालते हैं, और वह जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सबको जोड़ कर बता देते हैं कि 1 लाख वैकेंसी हमने निकाली है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं 1 लाख से अधिक हैं, ठीक है, 1.5 लाख से भी अधिक हैं। 1,70,461 पोस्ट जो हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत बड़ी संख्या है पोस्टों की, और केवल टीचर्स की है। तो बच्चों की जो डिमांड है 60,000 वह तो कम ही है, इससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है। और सरकार अगर इनको सभी को फिल करती है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं होगी। तो अभी भी जो है वो सरकार अगर पोस्टों को बढ़ा दे तो बच्चों का हित होगा, और जो बच्चे देख रहे हैं कि कट ऑफ जो है वह इतनी तो हो जाए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो सबका सिलेक्शन हो सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप लोग शेयर करें, ताकि ये जो पोस्टों की जो संख्या है इसको देख कर शायद आँख खुल जाए कि कहाँ पर राजस्थान सरकार में 48,000 पोस्ट और कहाँ बिहार सरकार 1,70,461 पोस्ट, इतना जो अंतर है इसको देखकर ही शायद कुछ सोचने को मजबूर हो जाएं। तो मेरा हमेशा से यही रहता है कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो भला हो, क्योंकि एक समय देखिए मेरा भी यही रहा कि बहुत मेहनत लगती है पढ़ाई करने में और जॉब तक पहुंचने में क्या क्या करना पड़ता है वो सभी जानते हैं जो भी मेहनत कर रहे हैं। बहुत कुछ जो है वो छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, तब जाकर जो है यहाँ तक पहुँचते हैं। तो बस यही चीज़ जो है वो मुझे कहनी है, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा कि
कि जो है स्टूडेंट के लिए ये चीज़ जो है वो होनी चाहिए, और आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में तो आप ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और जहाँ तक आपकी पहुँच है, मुझे पता है स्टूडेंट की पहुँच जो है वो केवल किताबों तक ही होती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी दिलचस्पी जो है वह पॉलिटिक्स में होती है, तो ऐसे जो बच्चे हैं वो कृपया करके सभी का जो है वो साथ दें, और अगर पोस्टों की संख्या बढ़ने में आप हेल्प कर सकते हैं तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। आपके ही जो है वो दोस्त हैं, भाई बहन हैं ये सभी, यदि इनका भला होगा तो आपका तो अपने आप ही भला हो जाएगा, और मुझसे जितना होगा तो वह मैं ज़रूर करूँगी। तो चलिए मिलेंगे, ये छोटी सी जो बात थी वो मुझे लगा आप लोगों से जो है वो कहनी है तो मैंने कही। आपको कैसा लगा तो आप ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।